सत श्री अकाल जी, जय जवान, जय किसान, राम राम जी, सत श्री अकाल जी। किसान भाइयों, आज मेरे मन में एक सवाल आया है। जो ये हम स्टंटबाजी करते हैं ट्रैक्टरों की, इतने इतने महंगे ट्रैक्टर लेके, और ये तो चाहे सरकार को भी पंजाब में पाबंदी लगानी चाहिए कि जो मेले लगाते हैं ट्रैक्टर में टोचन करके, ट्रैक्टर को कई बार मैंने देखी आग भी लगी है। इतने इतने महंगे ट्रैक्टर लेके हम कर्जा उठा उठा के, तो हमने ये ट्रैक्टर सारे तोड़ फोड़ दिए। हम क्यों करते हैं ऐसा काम? ट्रैक्टर जो होता है ना, किसान का कमाऊ बेटा होता है, इसको अपनी जान से प्यारा समझना चाहिए। यह ट्रैक्टर हमारा एक जान है, हमें कमा के देता है, खेती करता है। तो ऐसा हाथ जोड़ के विनती है, ये ऐसा काम ना करो। सबसे पहले तो मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूँ, ये जो बड़े बड़े मेले लगाते हैं ना, इतनी इतनी बड़ी हैरो और ट्रैक्टर में टोचन डा पा के, और बीच में ट्रैक्टर टूट भी जाते हैं, और पीछे सुना होगा ना कि स्टंटबाजी करते ट्रैक्टर आगे से खड़ा करके, अकेला अकेला बैठा था वो किसान का, और ट्रैक्टर के अंदर आके बीच में आके सारा धड़म भड़म हो गया। तो सभी किसान भाइयों को हाथ जोड़ के विनती है, और खास करके मेरी, ये मेले ज्यादा ना पंजाब में लगते हैं, तो पंजाब को भी ये चाहिए कि स्टंटबाजी, ये मेले, और भी बड़ी बड़ी खेडे हैं, और भी बड़े बड़े खेल हैं, ये कुश्ती, कबड्डी, मैच, ऐसे ऐसे करें, युवा को कोई अच्छी शिक्षा दे, ये कोई सौदा है कोई? तो फिर सरकार तो मैं कहेगी, पहले इतने इतने महंगे ट्रैक्टर कर्जे पे उठा के लेके, और फिर हम आत्महत्या करते हैं, लोन तुरता नहीं, तो फिर हम धरने देते हैं, संघर्ष करते हैं, कर्जाई हो गए, कर्जाई हो गए। कोई तो सरकारों ने मार दिया, किसान तो बिल्कुल खत्म कर दिया, कुछ हमारी खुद की भी गलती है। तो ये काम छोड़ दो, ये बंद कर दो। मैंने पीछे करके देखी परसों, जो दो तीन वीडियो चलते चलते ट्रैक्टर में आग लग गई, आज कम से कम ही ना 15-20 लाख का ट्रैक्टर है। तो कुछ तो सोचो, ये के बार बार मैं यही विनती करता हूँ, अगर मेरे पास दो ट्रैक्टर है, मेरे को कोई कहे ना मैं तेरे को 2-5 लाख दूंगा ट्रैक्टर में टोचन कर, कभी भी नहीं। एक ट्रैक्टर किसी का फंस जाए ना, तो ट्रैक्टर निकालना भी बड़ा मुश्किल हो जाता, कोई ट्रैक्टर आगे तो ना पाए। अगर मान लो गन्ने की ट्राली, धान की या गेहूं की ट्राली फंस जाती है ना, तो दो ट्रैक्टर आगे से लगाते हैं, तीसरा फिर आगे, वो मन मन एक ट्रैक्टर बीच में टूट भी जाए, हो भी गया। पीछे वीडियो परसों मैंने देखी है, ट्रैक्टर फंस गया था गन्ने वाला, और दो ट्रैक्टर आगे पाए थे, जॉन डीयर ट्रैक्टर था, वो बीच में टूट गया था, सभी ने वीडियो भी देखी होगी। तो ये छोड़ दो स्टंटबाजी करना, स्टंटबाजी करना में लोग अभी नहीं मुड़ते, चलते चलते ट्रैक्टर। मेरे साथ जो हुआ ना, मैं तो सारी जिंदगी नहीं भूलूंगा। चलो वो तो अचानक हो गया, भी खेती कर रहे थे बड़े शांतमय तरीके से, अपनी जान से प्यारा, मैंने दोनों ट्रैक्टर अपने संभाल के रखे हैं, मैं कभी टच नहीं होने दूंगा कभी भी, और कोई मेले में मुझे मुंह मांगा कीमत भी देना, मैं कभी नहीं जाऊंगा। मैं सारे किसान भाइयों को हाथ जोड़ के यही विनती कर दूंगा कि मेरी वीडियो वध से वध ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और कमेंट लाइक करें। मैं दलबीर जिंदा रतक से, हरियाणा से, हमारे हरियाणा में इतने नहीं होते, किसी स्टेट में नहीं होते, ज्यादा पंजाब में होते हैं। अगर पंजाब सरकार इस पर लगाम दे ना, तो कोई ट्रैक्टर नहीं जाएगा। तो क्यों तोड़ फोड़ कर रहे हो, अपनी मशीनरी तोड़ दियो, कितने मिलते होंगे तुम्हें? कोई 1,50,000 यही मिलता है ना।
और ट्रैक्टर तोड़ फोड़ के आग लगा के किसी का नुकसान भी हो जाता है। कोई मन माने ट्रैक्टर इतनी स्पीड से आता है, कुछ टोचन टोड़ जे ते जो जनता है वो बिल्कुल साथ में होती है, किसी का नुकसान कर दे तो ते मेरी हर रोज दूसरे तीसरे दिन इसी टॉपिक पर वीडियो आएगी आए करेगी। हम पंजाब सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि ये फुद्दू फांड जो है बंद करो। ट्रैक्टर खेती के लिए होता है, खेती करने के लिए। ते हमारा एक शुरू से ना ये हमारा एक कमाऊ बेटा है, इसको अपने परिवार की तरह तो एक सदस्य की तरह इसको मानना, धूप बत्ती लगा के सुबह राम का नाम हो वाहेगुरु का नाम लेके चलाना चाहिए, धूप बत्ती लगा के। तो ऐसे ना तोड़ो, ऐसे ट्रैक्टर तोड़ोगे ना सरकार आपको कहेगी ये तो जानबूझ के कर रहे हैं, इनके पास किसानों के पास पैसा बहुत हो गया है। किसानी आंदोलन में हम आपको आवाज देंगे, जब भी हम आपको बुलाएंगे ना तब खड़े होना। आंदोलन जो है ना ये सरकार तब मानती है जब किसान के ट्रैक्टर ऊपर किसान बैठा हो, क्योंकि बैरिगेड जो लगाया था ट्रैक्टर उसके लिए है। राकेश टिकैत ने क्या कहा था कि ये हमारे वास्ते एक टैंक है, टैंक तो ये जो बैरिकेड लगा था उनके लिए रखे हैं हमने, ये स्टंटबाजी के लिए हमने आग लगाने के लिए टोचन लगाने के लिए नहीं रखे। ते अच्छी लगे तो मेरी वीडियो शेयर करना, ना अच्छी लगे तो मुझे चार गाड़ी निकाल देना। ते एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, जब हमारी किसानों की आपस में मीटिंग होती है ना, कोई हमने रणनीति बनानी है, कोई मीटिंग करनी है आंदोलन के बारे में, कुछ भी विचार है, तो हम आपस में बैठ के जितने भी किसान आना एक मंच पे बैठ के हम अपनी रणनीति बनाते हैं। तो हमारे पास हम उसी टाइम कोई पार्टी बड़ा साथ में नहीं होता। ये जो बीजेपी वाले कहते हैं ना कि विरोधी पार्टियां जान के कराती हैं, दिल्ली में 13 महीने किसान आंदोलन रहा ना, कोई मंच के ऊपर हमने किसी पार्टी का चढ़ने नहीं दिया। जो आएगा किसानों की हक की बात करेगा ना, उसके लिए 5 मिनट हम स्टेट सेक्रेटरी दे सकता है 5 मिनट के लिए, लेकिन हमने ना जो रणनीति जो हमने बनाया है, जो हम कोई भी संयुक्त मोर्चा की कोई आवाज है, आपने देखा ना 13 महीने दिल्ली कितने बढ़िया स्टैंडर्ड से हम जितने भी वो स्टेट थे हमने कोई पार्टी वाला ऊपर चढ़ने नहीं दिया। सिर्फ जो किसान मजदूर की हक की बात करेगा, मुद्दे की बात करेगा, हम उसको इनवाइट करते हैं अभी 2 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए ना स्टेट पे चढ़ के आए, तो बात अपनी रखे, वो भी किसानों के हक की बात करे। नहीं तो हमने कभी किसी दूसरी पार्टी को, ठीक है हमारे लिए सभी हैं, चाहे कांग्रेस है चाहे बीजे ओ सॉरी आम आदमी पार्टी है, बसपा है, कोई भी तरह तरह की पार्टी है, तो हमने कभी किसी को ये नहीं कहा, क्योंकि हमारा सिर्फ विरोध उसके साथ है जो मौके की सरकार है देश में। चलो वैसे तो हर स्टेट में एक एक दो दो पार्टियां होती हैं, जैसे हमारे हरियाणा में एनएलओ भी है, जेजेपी भी है, वे तो बीजेपी है चलाने वाली, तो दूसरों को हमने क्या करना है? दूसरे के पास जब पावर ही नहीं है, कुछ नहीं है। आज मान लो कांग्रेस हरियाणा में कितने एमएलए हैं, उनकी बात ही नहीं करने देते, उनको काम ही नहीं करने देते। जनता जागरूक है, किसान जागरूक है, ये ना सोचो हमारे संत का इष्टम शमशेर सिंह गोगी है, धाकड़ है, तो उसको वो करने नहीं देते भी, ये काम इसको नहीं करने देंगे, आगे लोग इसको वोट नहीं पाएंगे कहीं भी। ये सड़कों का सारे का बुरा हाल है। अब ये देखो हमारे संत के अंदर जितना हमारे संत के अंदर पिछड़ा वर्ग है ना, इतना पूरे हरियाणा में कोई नहीं। आने वाले टाइम में कम से कम ना
50-60 ML खड़े होंगे, 50-60 ML। ते मंडी में हमने हर छमाही की छमाही पिछले 10 सालों से दो दो महीने हमने संघर्ष किया, धरना दिया, बैठे रहे, ते कौड़ियों के बाद हमारी फसल जो लूट के ले गए, कोई असर नहीं किसी ने किया, कोई हमारे मंच में नहीं आया, कोई भी लीडर नहीं आया। लेकिन दूसरी विरोधी आ जाते थे, बैठ के चले जाते थे, लेकिन चंडीगढ़ से MP भी सारे आए, लेकिन जो आता था बस सर्फ मार के चला जाता था, किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। वो कह रहे हैं ये तो 4 दिन रौला रौला पा के उठ जाएंगे। ते साथ चाहिए किसान मजदूरों, तुम्हारा साथ चाहिए, अगर साथ हो ना तो हम संत के अंदर धड़ाके उठा दें धड़ाके। और आने वाले टाइम में ना बस सर्दी निकलने के ढेर है, ये जनवरी का महीना खत्म हुआ नहीं, और ये फरवरी और मार्च दिल्ली को फिर घेरने जा रहे हैं, फिर दिखाएंगे उठेंगे नहीं। पहले भी हमने गलती की है, गलती इसलिए की है, चुनाव तो 2-3 स्टेटों में, तो जो हमारे साथ वादे किए वादा एक भी नहीं पूरा किया। सारे काम जो सारे पेंडेंट पड़े जितने भी है, मैं कुछ चुनाव चेतावनी देता हूँ, अगर आज बेल्ट पेपर पे चुनाव हो जाए ना, जितने भी सारे JJP और BJP के सारे है ना, सबकी जमानत जब्त होगी। जब कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, जितनी भी पार्टियां सारियां सहन कर दी है भी हम बेल्ट पेपर से चुनाव करने के लिए तैयार है, पर BJP तानाशाही ये क्यों नहीं मानती, इनको पता है। ये कह रहे हैं ना कि ये सारियां पार्टियां जो गठबंधन किया है मोदी से डरते हैं। भैया मोदी से कोई नहीं डरता, डरता तो EM से है, EVM से डरता है। अगर EVM बंद हो जाए, बेल्ट पेपर से चुनाव हो जाए, हम खुश हैं। आज चुनाव करा के देखो, जिनकी सारे की जमानत जब्त होगी। तो ये देखो, शुरू से पहले GST आई तो शहर वालों ने आंदोलन किया, कोई सुनाई नहीं हुई। उसके बाद अग्निपत्र, उन्होंने फौजियों ने आंदोलन किया, कुछ नहीं हुआ। फिर किसानों को तो 10 साल हो गए पूरे। तो अब ड्राइवर एकता जिंदाबाद, वो भी बेचारे कितने दिनों से, उनके लिए भी कानून गलत बना दिया। अभी देखते देखते रहो, जाते जाते भी कुछ ना कुछ ऐसे कानून बना देंगे, याद रखना। 3-4 कानून और बनाने जा रहे हैं, इनको परवाह ही नहीं है। लोग तो सोचते हैं, पार्टियां हमारी तो सोचते हैं वोट नजदीक आ गया है, कुछ जाते जाते हम अच्छा काम कर जाए। इनको पता है रहना तो हमने है ही नहीं है, जाना है। तो एक बार जाते जाते कोई घटिया और कोई काम रह गया हो, वो हम जाते जाते करके जाए। बातें तो बहुत करने वाली हैं, तो लेकिन करे क्या। सबको पता है, हर आदमी के पास फोन है। ते ये मैं पढ़ता रहता हूँ कमेंट फेसबुक पे हर थान, तो बस यही एक कह रहे हैं कांग्रेस करवा रही है, आम आदमी पार्टी करवा रही है, फलाने करवा रही है, टिंगड़ी करवा रही है, कोई नहीं करवाता। हम किसान अपने बल पे है, बल पे जीते हैं, बल में अपने तरीके से हम चलते हैं। दिल्ली में क्या कुछ नहीं हमारे साथ हुआ, लखीमपुर का कांड, 5 जवान हमारे शहीद हो गए, कभी ऐसा भी तानाशाही, शांतमय तरीके से बैठे थे, जो जितनी मांगे थी दिल्ली है। औरंगजेब एक बार झुका ना, मेरे से गलती हो गई है, मुझे पता नहीं था। उसके बाद हमारे साथ क्या क्या इन्होंने वादे किए थे, जितने भी ये अपने क्या नाम है या केस हैं किसानों के, सारे रद्द किए जाएंगे। लखीमपुर वाला जोड़ा कांड है, जिन्होंने करवाया मिश्रा जी, वो भी जेल जाएंगे, वो भी शरेआम बाहर घूम रहा है। तो जितने हमारे ट्रैक्टर गाड़ियां टूटी थी,
कुछ नहीं हुआ, वैसे को वैसे ही सारा पड़ा है। तो बाकी देख, दिल्ली हमारी, अगर ये इतना अपना क्या नाम है कील गाड़ दिए, ये खर्चा सारा किसका पड़ा है? ये अपना पंजाब से जब हमारे किसान आए थे तो शंभू बॉर्डर से लेकर दिल्ली तक इन्होंने सड़कें खुदवा दी, सड़कें खुदवा दी, दिल्ली गए तो दिल्ली में कील गाड़ दिए। क्या हम कोई गुंडे थे? कोई बाहर के थे? हम तो यहीं के रहने वाले थे। हमारे साथ जितना जुल्म हुआ ना, 750 किसान शहीद होया, किसी को मुआवजा मिला? सबको पता, सारी लिस्ट बनाई हुई है, ये जितनी भी है ना सारी लिस्ट बना के 13 फरवरी को दिल्ली को फिर घिराव करने जा रहे हैं, दिल्ली को फिर घिराव करने जा रहे हैं। अच्छा, मैंने ना पीछे करके एक ना वीडियो बनाई, वीडियो में मैंने कोई गलत नहीं बोला, कोई मुझे कहे, वीडियो में मैंने यही कहा था कि मोदी ने, मोदी के मुंह से सुन लो, सभी ने सुना सुना है, मोदी ने क्या कहा था, हिंदू मेरे लिए एक ताज का पत्ता है, जब मर्जी उनके साथ खेल सकूं, मेरी मर्जी है। और फिर उसने ये भी कहा है कि मित्रों, मैंने पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं की, मैंने 35 साल भीख मांग कर खाया है, मैं कोरा अनपढ़ हूं। तो मेरी वीडियो पे लोगों ने मुझे गाली भी निकाली, बड़ा बड़ा बुरा हाल मेरे साथ किया। तो मेरे लड़के के पास फोन आ गया, उसने वीडियो काट दी। वो कह रहा भी, डैडी तूने क्या लेना इस बात से? मैं कहा, मैं किसान नहीं हूं, मैं तो किसान हूं, मैं तो ये भी शुक्र करता हूँ भगवान का जो मैं किसान के घर जन्म लिया है। तो मैं जातिवाद से कभी भी कुछ भी नहीं, क्यों बोलूं? आज आज मेरे साथ, हमारे किसान यूनियन के साथ हिंदू भाई भी हमारा पूरा साथ दे रहे हैं, मुस्लिम भाई भी पूरा साथ दे रहे हैं, सभी हमारे साथ ये साथ दे रहे हैं। अब यो रंगरेटा है, कितनी बकवास कितनी करता था ये मजबी सिंह, ते ये हमारे इधर साथ में ना संध के पास खेड़ी सरफली, ते अपना मुंडवाल, हमारा इनके साथ अच्छा भाईचारा है, दलेर कौम है वो, हमारे साथ धरने पे भी, कहीं भी पीड़ सोड़ पड़े, हमारे साथ कंधे से कंधा जोड़ के खड़े होते हैं। इसको रंगरेटे को किसी ने अकल भी नहीं दी भी ऐसे बोलो। देखो इतने, इतना गंद बका, इतना गंद बका है ये अपना क्या नाम है, फेसबुक पे वीडियो पे लाइव है, ताड़ियां मार मार हंसा, कितना गलत बोला। ते वो सुखविंदर ने, वो पुलिस वाले अपना एसपी ने, पीपी ने, उसने फिर भी सभी के सामने हाथ जोड़े ने भी, किसी को दी बेटी माँ को माड़ा नहीं बोलना, क्योंकि ये चाहे कोई हिंदू है चाहे मुस्लिम है, ये सारे भाई भाई हैं। ते दी बेटी जो अपने घर में बैठी है, हमने किसी को माड़ा नहीं बोलना, माड़ा हमने कभी नहीं बोलना, हमें तरस आता है हिंदू भाइयों पे, हिंदू भाइयों पे तरस आता है। यही बीजेपी कहती थी ना, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में नहीं था, अब बीजेपी ने हिंदू को खतरे में ला के खड़ा कर दिया है। हिंदू जो था ना, हिंदू इतना बड़ा संगठन था, हिंदुओं के साथ हमारा 9 मास का रिश्ता है, इन्होंने जो किया देख, अब सारे अलग अलग कर दिए, ए जाट अलग, राजपूत अलग, वाल्मीकि अलग, गुरु रविदास जी, हरिजन जी, जितने भी सारे ने ना अलग अलग कर दिए। अब वो क्या नाम है, देखो वो अपने क्या नाम है, ये वाल्मीकि जी, हरिजन बेचारे को उधर जाने नहीं दिया मंदिर की साइड, उनको भगा दिया पीछे कि तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है, ये तो अमीर लोगों का है। मैंने पीछे भी वीडियो डाली थी, ये रणनीति बन रही है, ये जो मंदिर जितने हैं ना, 8 मंदिर, 8 मंदिर तो अंबानी डानी को दे दिए, क्योंकि
क्योंकि उनमें ढेरों सोना पड़ा है, जिसने बेच देश बेच दिया है तो वो अपना मंदिर उसके लिए किया है, कुछ भी नहीं है। गुरुद्वारा और मंदिर में कंपैरिजन कर लो, गुरुद्वारा भी सबका सांझा है और मंदिर भी हमारे लिए सब सांझा है, हम सब एक हैं। ये सरकारों ने राम मंदिर बनने से पहले हमारा कितना भाईचारा था, एक बार तहलका मच गया था, ये सिर्फ चुनावी मुद्दा था। इतने सालों से वहां साधु संत बैठे थे, वो कर ही रहे थे ना, ते उद्घाटन किससे किया, देखो हमारे जितने भी गुरुद्वारे हैं ना, जितने भी गुरुद्वारे SGPC के हाथ में है, जितने भी गुरुद्वारे तैयार होंगे ना, गुरुद्वारा बाद में तैयार हो और साथ में स्कूल पहले खड़ा होता, शिक्षा भी है और भूखे को अन्न वस्त्र सब कुछ मिलेगा, कभी गुरुद्वारे में जात पात नहीं पूछी जाएगी। देशों विदेशों में संकट कहीं भी आए ना, कहीं भी पड़े, उसी टाइम सिख कौम आगे खड़ी होती है। कोरोना के टाइम में देखो ऑक्सीजन तक हर चीज, पूरा इंडिया ब्लॉक हो गया था, पूरी दुनिया बंद हो गई थी, लेकिन लंगर चलता रहा, भूखे को अन्न मिलता रहा, सब कुछ। ते हमें थोड़ा सा दुख भी है कि हिंदू, ये आप तो कह रहे हैं ना सिख आवाज उठाते हैं, सिखों को पता भी हिंदुओं के साथ धोखा हो रहा है, ये कह रहे थे ना हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में। हिंदुओं की तो जो इतना बड़ा गठा बंधा होता हुआ था, ये सारा तोड़ मरोड़ कर दिया। एक मंच पे खड़े थे, हमें बड़ा गर्व था, आज कम से कम 60% हिंदू जो है ना BJP के खिलाफ है। ये जो बनाया ना अपना इन्होंने राम मंदिर में, अभी वहां शुरू क्या हुआ है, मीडिया तो बता रही है ना 40% मंदिर अभी चालू हुआ है, ये तो 25 भी नहीं हुआ, सिर्फ उनको आग लगी थी वोट बैंक बनाना है। जितनी भी जल्दी, इनके हिंदू भाई खुद कह रहे हैं, साधु संत खुद कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो सिर्फ एक जय श्री राम का नारा जो है ना, ये BJP का नारा है, धर्म के नाम से ये वोट मांग रहे हैं। अगर दोबारा फिर ये सुनो, तुम्हारे जब BJP वाले गांव में या वोट मांगते हैं, क्या पूछते हैं तुम्हें, आगे से जवाब नहीं तुम्हें आता, बात किया करो, खुल के बात किया करो, हमारे पल्ले हिंदुओं के पास पल्ले छोड़ा क्या है, ये किसी धर्म के नहीं, ये धर्म के नाम से अपना वोट बैंक बनाते हैं, ते सब कुछ अबानी डानी को दे रहे हैं, सब कुछ। साथ में मंदिर बना, ते मंदिर में नाले 1400 करोड़ की कमाई की, अब वहां देखो चाय का गिलास जो कितने का मिल रहा है, वहां जो VIP लोग माथा टेक सकेंगे, तुम्हारे मेरे वर्गा तो कुछ जा ही नहीं सकता, वहां माथा टेकने भी नहीं जा सकता। तो इन्होंने मुसलमानों को पैसे दे दे के नारे लगवाए हैं, तो सिख जो हमारे हैं वो सिख थोड़ा है, वो सिख नहीं है, वो तो पगड़ी बांध के ऐसे आधा पंजाब है, कोई पता ही नहीं लगता ये कौन है, उनको लेके गए छांट पेंट के लगे गए, चलो तुम तुम्हारा सहारा लेंगे। अगर मैं गलत बोला हूं ना तो लाइक कमेंट से मुझे गाली चार देना, मैं गलत बोला हूं, मैं कभी किसी को धर्म के नाते कभी किसी को मैं कह रहा हूं, हम बड़ी मुश्किल से ऐड करके दिन रात मेहनत करके हम ये बराबर भाईचारा हमारा जिंदा रहे, अगर भाईचारा हमारा जिंदा है, दुनिया की कोई ताकत नहीं हमें को हरा सके। ये BJP का शुरू तो पहले 5 साल की क्या किया, जो वादे पूरे किए थे किया कोई, 5 साल फिर किए, फिर कहाँ गए वादे, अब तीसरी बार हम फिर क्यों गलती करें, हमारा तो विरोध है,
हमारे साथ हुआ है, दिल्ली हमारे साथ क्या नहीं हुआ। पानी की बुछारें, कील गाड़े गए, क्या क्या नहीं हुआ, सब कुछ इतिहास में छप चुका ये। अब 13 महीने का जो 13 तारीख से शुरू है ना दिल्ली में अपना किसान आंदोलन, तो ये अब सड़कें जाम नहीं करेंगे। श्रीलंका वाले उन्होंने पहले आंदोलन किए थे, सड़कें जाम करी थी। तो एक बात बीच में रह गई है, मीडिया जो है ना, मीडिया सच की आवाज उठाता है, गोदी मीडिया की कोई सुनता नहीं। गोदी मीडिया के थे कोई 1500 व्यू होते हैं, अब तो जो आम मीडिया ना उनकी लोग सुनते हैं। गोदी मीडिया भी खत्म है, गोदी मीडिया का तो कुछ चैनल ही नहीं देखता कोई कुछ भी। यार हर आदमी जो वीडियो बनाता है अपने फोन से तो तुरंत वो अपने चैनल पर चढ़ा लेंगे भी ये सच्ची बात की है इन्होंने, इसकी फॉलो करो इनको। आज पंजाब के अंदर दो हीरे थे, दो हीरे, लखा सिधाणा और बाना सिद्धू, दो सितारे हैं, दो हमने तो पहले बहुत गुवा लिए। तो किसी के मन में ठेस लगी हो, हमारा भाईचारा कायम रहे ऐसे रहेगा, पर दोस्तों जो पिछले 10 सालों से हो रहा है तो वो जरा नहीं जाता। अब तो ईंट का जवाब पत्थर से लेंगे। मैं अपने संद के अंदर पूरा सन्नाटा छाऊंगा एक बार, बस जो ठंड निकल लेंगे ना पूरे दूंगा ना, इनको गांव में ना बढ़ने देंगे। हर गांव गांव में पोस्टर लगेंगे, ये जो अपने जिला परिषद सरपंच पंच जितने भी बने हैं ना, ये तो वे सिर्फ अपना टाइम निकालने के लिए जाते हैं, हमारे साथ इनकी बात होती रहती है। वो कह रहे हैं हम अपने टाइम निकालना क्या करें, हम तो इनके पास जाते भी नहीं, हम तो जहाँ अब जाके। दूसरी बात ये है, हमारा किसानों का किसी पार्टी के साथ कोई तालमेल नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही विरोध है, बीजेपी और जेजेपी। सारे हरियाणा का नाश करने वाला कल्ला दुष्यंत चौटाला है। दुष्यंत चौटाला जो है ना, अगर वो कांग्रेस में जाता से आज हमारा बुलंदियां पे होता हरियाणा, ये उधर गया तो हमारे हरियाणा का नाश हुआ। तो लोगों ने इसलिए वोट पाया कि ये ताऊ देवीलाल का पोता है, उसकी शर्म से वोट पिया है। तो मोदी को भी वोट सिर्फ अडवाणी के मुंह से पाया है, अटल बिहारी के मुंह से। अगर ये चुनाव जीत गया ना मोदी इस बार, तो ये भूल जाना चुनाव नहीं दोबारा होगा, ये सच्चाई है। ईएम हटाओ, देश बचाओ और दिल्ली पहुंचो। दिल्ली तो बड़े बड़े फैसले हो जो तब उठेंगे, एक बार इनका सन्नाटा छाएंगे। ते जय जवान जय किसान, राम राम सत श्री अकाल जी।